दोस्तों भारत के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले टीम पाकिस्तान के लिए आई बड़ी खुशखबरी। चौधरी मोहम्मद वसीम की जगह दो साल बाद ये घातक गेंदबाज करेगा टीम पाकिस्तान में वापसी। तो ऐसे में कौन ये शानदार बेहतरीन खिलाड़ी, सब कुछ बताएंगे आपको इस खास वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हैं पाकिस्तान टीम के फैन और चाहते हैं कि एशिया कप 2022 पाकिस्तान ही जीते, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अब ऐसे में एशिया कप शुरू होने में केवल 24 घंटे का समय रह गया है, तो वहीं आपको बता दें कि एशिया कप की शुरुआत कल से यानी कि 27 अगस्त शनिवार को होने वाली और इसमें पहला मुकाबला अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच होगा, तो ये दूसरा मुकाबला 28 अगस्त को खेला जाएगा जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच होगा। और इस मुकाबले के लिए क्रिकेट फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो यहां आपको बता दें कि एशिया कप के लिए सभी टीमें यूएई पहुंच चुकी हैं और ऐसे में वहीं आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के मैच से पहले एक बार फिर पाकिस्तान को बड़ा झटका लग चुका है। जैसा कि आपको पता है कि साइन अफरीदी इंजरी के कारण एशिया कप से बाहर हो चुके थे, तो वहीं एक बार फिर पाकिस्तान के शानदार खिलाड़ी मोहम्मद वसीम जूनियर को भी इंजरी के कारण एशिया कप से बाहर होना पड़ रहा है। और ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस विषय पर चर्चा कर रहा है कि आखिरकार मोहम्मद वसीम जूनियर की जगह एशिया कप में किस खिलाड़ी को शामिल कराया जाए। और ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट फैंस मांग कर रहे हैं कि मोहम्मद वसीम जूनियर की जगह मोहम्मद आमिर को शामिल कराया जाए, जो कि इस समय ट्विटर पर काफी ट्रेंड कर रहा है। और ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट फैंस मांग कर रहे हैं कि मोहम्मद वसीम जूनियर की जगह मोहम्मद आमिर को करा जाए, जो कि इस समय काफी ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। तो ऐसे में वही आपको बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी इस बात की पूरी तरीके से जानकारी नहीं दी है। और ऐसे में अगर मोहम्मद आमिर को एशिया कप में शामिल नहीं करते हैं तो भारत के खिलाफ टीम पाकिस्तान में शान अहमद धानी को प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है मोहम्मद आमिर के बारे में, और आपको क्या लगता है कि मोहम्मद आमिर को एशिया कप में मौका मिलना चाहिए या नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।